है, मतलब ओपन है, ठीक है। उसको उन लोग क्या करते हैं, फ्रीली डाउनलोड करते हैं, अपना सब कोड वोड वो सब डालते हैं और अपने वर्जन लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। जितने दुनिया में मोबाइल होते हैं, ठीक है, जैसे मोटोरोला, ठीक है, नोकिया, वन प्लस, ठीक है, और जितने ऐसे फ़ोन आते हैं जो स्टॉक एंड्रॉयड चलाते हैं, ठीक है, मतलब प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस जिसमें मिलता है, ठीक है, वो ओरिजिनल एंड्रॉयड रहता है, उसमें सब चीज़ बहुत बढ़िया चलता है, ठीक है। हर टाइप का हार्डवेयर बहुत अच्छा रन होता है, हर टाइप के ऐप्स जो होते हैं वो सबसे अच्छा काम करता है, ठीक है, उसमें सब बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत नहीं होता किसी में भी, ठीक है। और एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच भी जो होता है वो सबसे अच्छा मिलता है उसमें, ठीक है। अब बाकी जो मोबाइल्स होते हैं जैसे रियलमी, रेडमी, ठीक है, आजकल इतने सारे मोबाइल्स आ गए हैं, सब लोग, इन लोग क्या करते हैं, अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना करके, सब एंड्रॉयड पे काम करता है, ठीक है, सब लोग अपना अपना वर्जन बनाया है, ठीक है। रियलमी लोगे तो उसमें कलर ओएस रहेगा, MI लोगे तो MIUI रहेगा, ठीक है, वन प्लस लोगे तो ऑक्सीजन ओएस रहेगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग अपने अपने ओएस बना के रखे हैं इन लोग, ठीक है। तो सबका काम करने का तरीका बदल देते हैं, मतलब हम परफॉर्मेंस अच्छा करने के चक्कर में कुछ नया कोड डाल देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट नहीं करती उसमें, है ना। तो ये सारी चीज़ों से बहुत सारे ऐप्स में दिक्कत होती है, ठीक है। इसीलिए हमेशा जो ऐप होता है वो अपडेट करते रहना चाहिए, ठीक है। जितने भी, जैसे हम लोग क्या करते हैं, डाउनलोड कर लिए एक बार, जैसे जूम ऐप है, ठीक है, जूम को हमेशा अपडेट करते रहना, ठीक है, क्योंकि अपडेट नहीं करोगे तो पुराना चीज़ सपोर्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे जितने भी ऐप्स होते हैं सबको अपडेट करते रहना चाहिए, और मोबाइल फ़ोन को भी अपडेट करते रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें दिक्कत होती है अपडेट नहीं करने से। अपडेट करते रहोगे तो जो पहले एरर्स वगैरह उसमें आते थे या कोई बग रहेगा, वो सारी चीज़ें हट जाती है ना। तो ऐप को एक बार अपडेट करके देखना, अगर कोई दिक्कत आ रही है कंपाइल करने में या फिर कुछ भी हो, वैसा उसमें अगर अपडेट आएगा तो अपडेट कर लेना उसको, है ना। अगर सिस्टम अपडेट भी आएगा मोबाइल में, सिस्टम अपडेट भी किया करो, ठीक है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, अरे डेटा लगेगा यार, छोड़ो उसको, कौन अपडेट करेगा, ऐसे ही करते हैं हम लोग, है ना। तो भले ही डेटा खर्चा होता है लेकिन अपना मोबाइल अच्छा चलता है और उसकी लाइफ बढ़ती है। ठीक है, तो जिसके में भी दिक्कत आ रहा है कंपाइल करने में, ठीक है, एक बार ऐप को, अगर अपडेट आया तो अपडेट करके देखना, ठीक है, नहीं तो उसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करके देखना, ठीक है। हाँ, जो भी है देखो, अब वो क्या पुराना सॉफ्टवेयर है ना, टर्बो C++ जो है बहुत पुराना सॉफ्टवेयर, मतलब जब विंडोज़ XP चल रहा था तब एक बार लास्ट अपडेट हुआ था वो, ठीक है, मतलब लास्ट वर्जन जब आया था जब विंडोज़ XP चल रहा था, विंडोज़ XP मतलब 2004 की बात है, 2004, अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है। तो 2004 में अपडेट हुआ था, उसके बाद आ गया विंडोज़ विस्टा, फिर विंडोज़ 7 आया, ठीक है, फिर विंडोज़ 8 आया, फिर विंडोज़ 8.1 आया, फिर अब 10 आ गया। तो सबके कंपैटिबिलिटी मोड अलग अलग है, सबके कंपैटिबल मोड पे ही वो चलता है, ठीक है। पहले क्या होता था कि वो फाइल्स को TC करके एक फोल्डर होता था, TC करके कॉपी कर लो उसको और चलना चालू हो जाता था। पहले के जो सिस्टम होते थे वो 16 बिट पे काम करता था वो, ठीक है, मतलब जो टर्बो C++ है वो 16 बिट पे काम करता था, ठीक है। आजकल के जो सिस्टम है 32 बिट मिनिमम चाहिए और 64 बिट मिनिमम चाहिए उसको, ठीक है, या तो 32 बिट या 16 बिट, सॉरी 64 बिट, ठीक है, यही दोनों पे काम करता है। अब वो दोनों पे ही सपोर्ट नहीं करता है वो, ठीक है। तो जब उसको इंस्टॉल किया जाता है तो कंपैटिबिलिटी मोड पे वो इंस्टॉल होता है, ठीक है। और जो एंड्रॉयड पे भी हम लोग उसको इंस्टॉल कर रहे हैं वो भी कंपैटिबल मोड पे ही चल रहा है, ठीक है, मतलब वो उसका ऐसा एक्सपीरियंस दे रहा है, मतलब
पूरा की पूरा वो विंडोज़ पे ही चल रहा है वैसा, ठीक है, बाकी एंड्रॉयड पे चलता नहीं है। कोई दूसरे सॉफ्टवेयर्स वगैरह देख लो, दूसरे ऐप वगैरह देख लो, उसमें टर्बो सी प्लस प्लस जैसा वहाँ पे इंटरफेस मिलेगा ही नहीं मिलेगा, है ना। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो है बहुत पुराने हैं, ठीक है। और सबसे बेस्ट है सी सीखने के लिए, सी सी प्लस प्लस के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, ठीक है। आजकल वैसे अगर देखा जाए तो सी कंपाइलर्स बहुत सारे आते हैं मार्केट में, इतने सारे अवेलेबल होंगे अगर मैं दिखाऊं इंटरनेट पे, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ सी कंपाइलर्स, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ, अगर लिस्ट देखोगे यहाँ पे, देख लो कितना सारा है, जी एन यू कंपाइलर, इंटेल सी प्लस प्लस, सी लैंग है, ठीक है, टाइनी, ठीक है, एल एल सी, देखो इतने सारे कंपाइलर्स अवेलेबल, सबको सीख पाओगे क्या? ठीक है, उसका लिस्ट देखते हैं। ठीक है, देखो दुनिया में इतने सारे कंपाइलर्स अवेलेबल, ठीक है। अगर मैं सी कंपाइलर में देखूँ तो देख लो इतने सारे सी कंपाइलर, एकॉर्न सी, AMD, ठीक है, ARM, ठीक है, एचटेक, ठीक है, BDS, CH, इतने सारे कंपाइलर्स अवेलेबल है। आया समझ में? तो कंपाइलर्स तो बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन कोई एक ऐसा पर्टिकुलर चीज़ रहे जो हम लोग को इजी भी लगे और सब चीज़ अवेलेबल हो उसमें, ठीक है। तो बोरलैंड का ही आता है टर्बो सी प्लस प्लस, ये वाला हम लोग यूज़ करते हैं, बोरलैंड टर्बो सी, ठीक है, ये कंपाइलर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी देखो इसका इनिशियल कब चालू हुआ था, 1987 को चालू हुआ था, ठीक है, रिलीज़ किया गया था इसको, ठीक है। उसके बाद बहुत कम अपडेट हुए उसमें, रेयरली अपडेट होते थे, बहुत ज़्यादा नहीं होता था, ठीक है। फिर उसके बाद देखो स्टेबल रिलीज़ कब किया था, लास्ट 2006 में किया था स्टेबल रिलीज़, ठीक है। उसके बाद उसमें कभी चेंजेस हुआ ही नहीं, ठीक है, क्योंकि XP जब ख़त्म हो गया था, XP का मतलब जब विंडोज 7 आ गया था तो प्योरली 32 बिट पे ही काम करता था, 32 बिट और 64 बिट का कंप्यूटर्स वहाँ से चालू हुए थे, ठीक है। पहले के अगर देखोगे तो बहुत कम, मतलब 16 बिट 32 बिट पे ही चलते हैं सब कंप्यूटर्स, ठीक है। जब से i3 प्रोसेसर आया था, i3 प्रोसेसर जानते हो ना, प्रोसेसर i3, i5, i7, i9, ये सारे, या फिर जो AMD प्रोसेसर जब से आने लग गए थे, ठीक है, तो तब से इसकी कहानी जो है टर्बो सी की वहीं ख़त्म हो गई थी। और जो 32 बिट वाले सिस्टम और 64 बिट वाले सिस्टम्स सब के सब वहाँ से आने लग गए थे, ठीक है। आगे अगर देखोगे आने वाले 10 या 15 साल में 128 बिट भी आ जाएगा, ठीक है। 128 बिट आ चुका है, और किस में आ चुका है वो, जैसे एलनवेयर आता है, ठीक है, और ROG कंप्यूटर्स जो आते हैं, ठीक है, तो ये सब फास्ट कंप्यूटर्स जो होते हैं वो उसके लिए 128 बिट का यूज़ होता है, और वहाँ के मदरबोर्ड भी बहुत अलग होते हैं, ठीक है। आने वाले 10-15 साल में वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो सारे कंप्यूटर जो होंगे AI इनेबल्ड होंगे, ठीक है, सब चीज़ उसमें कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो ज़्यादातर अच्छा है कि ट्राई करो किसी के कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, अगर किसी के पास नहीं भी होगा तो किसी ना किसी के पास तो होगा, आस पड़ोस में होगा, फ्रेंड्स के पास होगा, भाई लोग के पास होगा, बहन लोग के पास होगा, कजन्स के पास होगा, किसी ना किसी के पास तो लैपटॉप कंप्यूटर होता ही है ना। किसी से भी एक दिन ले आओ, बैठ के पूरा प्रैक्टिस कर लो संडे वगैरह जो भी है, ठीक है, क्योंकि मोबाइल पे हर चीज़ नहीं किया जा सकता है। अगर आप लोग सोचोगे कि मोबाइल में मैं सब चीज़ मैं कर सकता हूँ, मोबाइल में नहीं कर पाओगे, कर तो लोगे लेकिन सीखोगे नहीं ना, क्या सीखोगे बताओ। अब जो तुमको कंप्यूटर पे सीखना है वो तुम मोबाइल में सीख रहे हो, तो क्या सीख पाओगे, सीख पाओगे क्या? ठीक है, तो हम लोगों को कंप्यूटर सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर पे कैसे
एप्लीकेशन बनता है, कैसे उसमें लैंग्वेजेस रन होते हैं, कैसे कंपाइल होते हैं, कैसे रन होते हैं, ठीक है, कैसे एरर सॉल्व होता है, सारा चीज़ तो हम लोग को कंप्यूटर पे करना है, ठीक है। लेकिन अब नहीं है तो उस केस पे हम लोग मोबाइल पे चला रहे हैं, और टर्बो सी ड्रॉइड से अच्छा कंपाइलर तो अवेलेबल ही नहीं है इसमें, ठीक है, जो हम लोग को ट्रेडिशनल स्टाइल में सी सिखा दे, ठीक है। वैसे हम लोग तो सिखाने के लिए बैठे ही हैं यहाँ पे, सब सिखा ही रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं सी? कोई ऐसा मतलब ऐसा तो नहीं बोल रहे हो ना, अरे यार सर क्या बताते हैं, कुछ पल्ले नहीं बढ़ते, पूरा बाउंसर मार रहा है, ऐसा तो नहीं है किसी कहानी आता है ना समझ में? ये नहीं बोलते होंगे, वैसे टीचर्स को गाली देने में नंबर वन रहते हैं स्टूडेंट्स की, अरे यार सर तो बकवास पढ़ाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये किस दिन पता चलता है पता है हम लोग को? जिस दिन वाइवा होगा तुम लोग का, उस दिन हम लोग को सब पता चल जाए, कौन कितना पानी में है सब पता चलता है, ठीक है। वैसे हम लोग को पता चल ही जाता है कौन बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। अभी टेस्ट होगा ना, उसमें पता चल जाएगा। टेस्ट में तो खैर अभी के टेस्ट बदल गए हैं, अभी तो घर में बैठ के लिखना होता है, ठीक है। कुछ दिन बाद मैं एक टेस्ट लूँगा, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है उसमें, ठीक है। जब यूनिट टेस्ट ख़त्म हो जाएगा तो यूनिट वन और टू दोनों के टेस्ट होंगे और 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ठीक है, लें कि नहीं लें ऐसा टेस्ट बताओ? हाँ दोनों यूनिट के रहेंगे, ठीक है। यूनिट नंबर वन के 50 क्वेश्चन और यूनिट नंबर टू के 50 क्वेश्चन, ठीक है। उससे पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है, किसको कितना समझ में आया, ठीक है। ठीक है, तो और किसी कुछ पूछना है? किसी कोई समस्या आ रही है कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, या बुक नहीं मिली है, बुक नहीं समझ में आ रही है, नोट्स नहीं समझ में आ रहा है, प्रैक्टिकल नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, रन नहीं हो पा रहा है, या फिर टर्बो सी इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, या डिलीट हो जा रहा है बार बार, या सेव किए थे लेकिन वो दिखाता ही नहीं है फाइल उसमें कभी, ठीक है, मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं है किसी की समस्या? ठीक है, सब स्मूथली चल रहा है, ठीक है। और जितने भी स्कॉलरशिप भरे थे, आज लास्ट डेट है, तो 3 से 5 बजे के बीच में आके जमा कर दो, ठीक है। कल एक दो लोग आए थे, हाँ, वचन पत्र भी लेके आना है, एफिडेविट भी लेके आना है। देखो मैं बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ तुम लोग को लेके आना है, ठीक है। 10th लेके आना है, 12th लेके आना है, वो तो पता होगा ना सब चीज़। 10th का फोटोकॉपी, ठीक है, 12th का फोटोकॉपी, ठीक है, ग्रेजुएशन का, ठीक है, अगर कुछ किए हैं तो इसके पहले, अगर नहीं है तो 12th का ही रहेगा, ठीक है। ठीक है, पीजी अगर किए हैं कोई, ठीक है, कभी कभी पीजी के बाद भी बीसीए करते हैं लोग, ठीक है, उन लोग के लिए, ठीक है, या निवासी, ठीक है, कास्ट, ठीक है, इनकम, ठीक है, ओरिजिनल और इसका फोटोकॉपी दोनों लगेगा, ठीक है, एफिडेविट, जितने बना लो, 1,000 बना लो, 2,000 बना लो, 5,000 बना लो, वैसे 10 रुपये का लगता है, तो 50 वाला बना लो, 20 वाला बना लो,
जितना मिनिमम का बन सकता है उतना बना लो, ठीक है। एफिडेविट ओरिजिनल लगेगा और फोटोकॉपी लगेगा, ठीक है, दोनों लगेगा, ठीक है। आधार कार्ड लगेगा, फोटोकॉपी, ठीक है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी होगी, दो पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, ठीक है, फोटो हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या लगेगा, प्रीवियस ईयर का जो भी होगा, जैसे ट्वेल्थ है तो ट्वेल्थ ईयर में कितना परसेंट आया था वो मार्कशीट में जो फोटोकॉपी लगाओगे ना उसमें लिख लेना, इतना परसेंट है, कहीं पे भी पेंसिल से या फिर छोटा सा पेन से लिख देना, ठीक है, ताकि हम लोग को भी आसानी रहे वहाँ पे डालने के लिए, ठीक है। परसेंटेज यहाँ डालना है, ठीक है, इतना हो गया। इतनी सारे इसमें दो चीज़ ओरिजिनल होगी, एक इनकम ओरिजिनल होगा, ठीक है, एफिडेविट ओरिजिनल होगा, ठीक है, ये ओरिजिनल होगा। उसमें शायद भेजे थे सर, उसको व्हाट्सएप पे भेजे थे क्या? हाँ, उसको निकलवा लेना, वचन पत्र बोलते हैं क्या उसको, ठीक है। वचन पत्र भी मतलब उसमें डाउनलोड करना, उसको प्रिंट आउट करके भर के उसको भी लेके आना, ठीक है। अब जितने भी इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसका एक सेट और लगेगा, पूरा फोटोकॉपी, ठीक है। और यहाँ पे सबसे टॉप में, ठीक है, जो स्कॉलरशिप का प्रिंट आउट होगा, स्कॉलरशिप फॉर्म का प्रिंट आउट, ठीक है, इस प्रिंट आउट में जो पेरेंट का सिग्नेचर है, ठीक है, स्टूडेंट साइन, ये कराना अनिवार्य है, ठीक है, जरूरी है, दोनों चीज़ उसमें होना चाहिए, ठीक है। और पूरे का जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट है सबका एक कॉपी और लगेगा, मतलब हमारे पास एक कॉपी क्या क्या रहेगा, 10th, 12th, निवासी, कास्ट, इनकम का ओरिजिनल, एफिडेविट का ओरिजिनल, ठीक है, आधार कार्ड फोटोकॉपी, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो स्कॉलरशिप फॉर्म में लगे रहेगा, हाँ, सॉरी, पासबुक, 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 बहुत बढ़िया, ठीक है, पासबुक। और ये पासबुक में जो अकाउंट है वो आपके खुद का होना चाहिए, किसी दूसरे का अकाउंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसको आधार कार्ड से लिंक भी करवाना है, ठीक है। बेहतर होगा कि बैंक चले जाओ, वहाँ से सील साइन करवा लो कि ये आधार कार्ड से लिंक है, चेक भी हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, चेक करवा लो कि आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है, नहीं भी होगा तो तुरंत वहाँ हो जाता है, तुरंत करवा लो, और वहीं से जो भी ब्रांच मैनेजर होगा या फिर जो क्लर्क होगा वहाँ का, वो सील साइन कर देता है तुरंत, है ना, कि ये आधार कार्ड से लिंक हो गया, उसको बता देना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो और, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मांगा है, ख़त्म, क्वेश्चन नहीं करेगा कुछ भी, ठीक है, ठीक है। तो पासबुक का भी आधार कार्ड से लिंक, वहाँ पे सील साइन हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो खुद से लिख देना हाथ में, हाथ से लिख देना, ठीक है, और साइन कर देना वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा अकाउंट तो पैसे नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आगे समस्या से बचना चाहते हो तो आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं वो चेक करा लो, सील साइन करा लो, ठीक है। ठीक है, इतना चीज़ लगेगा और सभी का एक कॉपी और लगेगा, ठीक है, दो कॉपी हो सबमिट होती है, ठीक है। किसी कोई दिक्कत है, आज लास्ट डेट है, आज सबमिट कर दो लाके 3 बजे, ठीक है, 3 से 5 हम लोग यहाँ रहते हैं, और उस टाइम सबमिट कर लो सब लोग, ठीक। और किसी को कुछ पूछना है क्या? दूर वाले लोग कैसे करेंगे, कितना दूर रहते हो? राजनांदगांव थोड़ी ना दूर होता है यार, घूमने के लिए रायपुर निकल जाते हो, घूमने के लिए डोंगरगढ़ निकल जाते हो, अरे तो क्या हो गया, सब जगह बस चलती है, बाइक चलती है, ठीक है, दोस्त उसको पकड़ो,
चल घूम के आते करके, घुमा के ले आओ, कॉलेज भी घूम लेगा वो, ठीक है, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। 50 रुपये पेट्रोल लगता है यहाँ तक आने में, ठीक है, अब कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ चीज़ तो खोलो। अरे तो 200 रुपये खर्चा करेगा तो तेरे को 2,000 मिलेगा भी तो, वो तो सोच। है कि नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अब 2,000 रुपये पाने के लिए थोड़ा थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना, सरकार ऐसी थोड़ी नहीं दे देगी, गवर्नमेंट ऐसी थोड़ी दे देती है कुछ भी चीज़। कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा, अब उतना भी नहीं करना चाहोगे तो फॉर्म, अब जितना भी फीस होगा उसका लगभग लगभग 10% 12% ऐसे कुछ रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं मिल जाता है। जैसे गवर्नमेंट का जो फीस रहता है ना उसके हिसाब से दिया जाता है वो, ठीक है, प्राइवेट में तो थोड़ा ज़्यादा रहता है फीस, ठीक है, गवर्नमेंट का फीस कम होता है, ठीक है, फीस भी कम होता है तो पढ़ाई तो होती नहीं है वहाँ पे उतनी, ठीक है, तो वैसे ही है, कुछ कम ही मिलता है। अब वो पता चलेगा कितना कितना मिलता है, तो ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, ऐप में नाम चेंज करना है तो सुशील सर को एक बार कॉल कर लेना, ठीक है, और हो जाएगा, ठीक है, कितना लेट? एक दिन संभाल सकते हैं, कल, आज नहीं आ पाओगे तो कल आ जाओ, और कितना रिलैक्सेशन देंगे, क्योंकि हम लोग को काउंट भेजना पड़ता है मेन जो है ना। देखो आज 28 तारीख है, आज लास्ट डेट है, ठीक है, आज शाम के 5 बजे के बाद हम लोग को काउंट भेजना होता है कि इतने लोग का फॉर्म ऑनलाइन फिल हो गया है और इतने लोग का फॉर्म जो है ऑफलाइन मेरे पास आ गया है, वो काउंट हम लोग को बताना पड़ता है। फॉर्म आएगा ही नहीं तो कहाँ से काउंट बताएंगे हम लोग, अब काउंट नहीं बताएंगे तो ऊपर से बत्ती पड़ेगा, गवर्नमेंट का काम है ना, हम लोग का काम थोड़ी है, कॉलेज का काम होता तो हम लोग थोड़ा डिले करके चला लेते हैं, गवर्नमेंट का काम डिले नहीं होता है कभी भी, क्योंकि ऊपर बहुत सारे लोग रहते हैं तो उन लोग को जवाब देना पड़ता है, हम लोग को जवाब देना पड़ता है, सब चीज़ करना पड़ता है।